तेरा चीखने चिल्लाने और रोने से दर्द कम होगा क्या? अम्मा ये जो पैर की हड्डी टूटी है आंसुओं से ठीक नहीं होगी, अस्पताल में दूसरे इंतजाम है इसके लिए। हाय मैं क्या करूं, इतना बड़ा हादसा हो गया है। मनु सिस्टर से कहो कि प्लास्टर की तैयारी करें, मल्टीपल फ्रैक्चर। जी मैडम। प्लास्टर का मतलब तो लंबा चौड़ा चक्कर है ना दीदी। तो ये क्या कोई खुजली है जो मरहम से ठीक हो जाएगी? मल्टीपल फ्रैक्चर है, महीने भर का चक्कर है। अरे मनु क्या होगा, कितना रो रही हो? आप रोई तो गले में ऐसा इंजेक्शन दूंगी कि आवाज ही बंद हो जाएगी। चुप अम्मा चुप। अम्मा अम्मा अमृता दीदी आ गई। मौसी क्या कर रही है आप? अगर आप एक बार मेरी बच्ची के पैर को छू देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। मौसी कमल जो कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आइए आइए, मल्टीपल फ्रैक्चर है, शायद आपके जादुई स्पर्श से ठीक हो जाए। आप एक बार स्पर्श कर दीजिए दीदी। देखो मौसी ये कोई मामूली चोट नहीं है, इसका अगर इलाज सही तरह से नहीं हुआ ना तो पैर क्या जान का भी खतरा हो सकता है। देखो ये बचकानी जीत छोड़ो और कमल जो कर रही है ना उसे करने दो, ठीक है? ली जादुई दीदी की बात, तेरी इस मुस्कुराहट इन जादू भरी निगाहों ने पागल कर रखा है सबको, हमें कुछ समझते ही नहीं। और तुम अब शांत रहो, तुम्हें थिएटर ले जाया जाएगा प्लास्टर करवाने के लिए, अब चलें। हाँ ठीक है मौसी। हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, दीदी कहती है ना अब तो ठीक हो जाएगा। तुम अभी तक गई नहीं? सर बस एक पेशेंट है। और प्रताप पेशेंट के अलावा भी डॉक्टर की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। देखो ये पेशेंट यही रहेंगे, ये हॉस्पिटल यही रहेगा, डॉक्टर कमल और मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और तुम्हारी एब्सेंस में इन पेशेंट्स का ध्यान रख लेंगे। जी यू आर ओवर वर्किंग, और अगर तुम पेशेंट हो गई तो गो होम स्ट्रेट, गो 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 गो। ओके सर। कमल बाहर तक छोड़ के आना, गो। जी जा। हेलो मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर हूँ। आप डॉक्टर अमृता रॉय है ना? जी। देखिए मेरा एक बहुत खास काम है आपसे, मैं काफी देर से आपके इंतजार में यहाँ खड़ा हुआ था। खास काम है तो आप हॉस्पिटल में आ सकते थे। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, तंदुरुस्त हूँ मैं। तंदुरुस्त लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम डॉक्टर हैं, अगर आप बीमार हैं तो ही हम आपको। इसका मतलब है आपसे बात करने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा? हॉस्पिटल में दाखिल हुए बगैर मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता? देखिए राजन गुप्ता जी, हमारे बीमार चाचा जी घर में इंतजार कर रहे हैं, आज हमें माफ कीजिएगा, अगर कोई बात करनी है तो कल हॉस्पिटल में आ जाइए। मतलब एक अहम बात कहने के लिए मुझे आप एक मिनट भी नहीं दे सकती? कोई अहम बात ना एक मिनट में कही जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना उसका जवाब दिया जा सकता है। नमस्ते। क्यों भाई 30 बार खां साहब, तलवार म्यान में से निकालने से पहले ही शिकार गायब। हमें मालूम था कि तुम्हारे सड़े गले प्रोग्राम में गाने के लिए नहीं आने वाली। अच्छा, गांव में रामलीला देखने जा सकती है? क्यों नहीं जाए, एक तो गांव के लोगों का प्यार, ऊपर से राम की लीला, जरूर जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा डॉक्टर अमृता राय को अपनी राजन लीला।